जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है ऐसे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी सिंह देव यहां मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मंचासीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें रायगढ़ से सीधी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम यहां पर, और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देने वाले हैं। 12,787 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात रायगढ़ वासियों को मिलने वाली है, और तस्वीरें सीधी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर रायगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी अब से कुछ ही देर में, और स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव भी उनके साथ वहां पर मंचासीन हैं। क्योंकि ये शासकीय कार्यक्रम है, और सीधी तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाते चलेंगे। कुछ और अपडेट्स दे लेते हैं, युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, जो मंच पर इस वक्त लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें और भी लोग मौजूद होंगे, क्या मुख्यमंत्री के भी आने की कोई जानकारी है? जी देखिए, राज्य सरकार की ओर के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम मंच की बात करें तो मंच में छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं वो माथुर, वो मौजूद हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन है, वो मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उनके साथ आएंगे। और बड़ी बात यही है कि आम जनता के सीधे रूबरू होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। जो पंडाल, 3 पंडाल बनाए गए हैं उसमें कुछ तब्दीलियां की गई थी, पहले एक मैत्री सभा था, लेकिन प्रधानमंत्री खुद आम जनता से सीधा रूबरू होना चाहते हैं। लोग भी उनसे काफी करीब से देखना चाहते हैं, उत्साहित हैं, काफी जो उत्साहित जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनके भी थे, उनका जो काफिला है, जो एक्टिविटी है वो गुजरेगा, और ये पूरा काफिला आम जनता को संबोधित करते हुए जो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच तक जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। उसके बाद मंची कार्यक्रम होगा, और यहाँ तमाम ऐसे जो विधायक जिन्हें टिकट वितरण किया गया है वो विधायक भी यहाँ पर मौजूद है। 2000 विधानसभा के चुनाव के लिए यहाँ से प्रदेश दोनों लिहाज से ये कार्यक्रम काफी अहम है, काफी जो मंत्री सभा इसे कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह चुके हैं कि जिस तरह से ये जो सभा है वो पूरे प्रदेश को एक संदेश देगा। जी जी, लेकिन युगल 12,787 करोड़ की सौगात यहाँ रायगढ़ वासियों को मिलने वाली है, क्या कुछ परियोजनाएं हैं, किस तरह की सौगात हो सकती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कितनी देर में शुरू होने वाला है? देखिए, अभी शासकीय आयोजन है, सभी जो सौगात है लगभग 12,000 से अधिक करोड़ का जो सौगात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। उसके बाद सीधा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ मंच रखेंगे, और उसके कुछ देर बाद शेड्यूल है, उन्हें वापस जाना भी है दिल्ली। तो ये है कि तत्काल जो मंची कार्यक्रम है वो होगा, उसके बाद सीधा उनको उद्बोधन होगा, जनता को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। क्योंकि ऐसा मौसम है, अभी बीती रात से जमकर बारिश हो रही है, तो ऐसे में मौसम भी समय का भी जो पाबंदी है ख्याल रखा, तो इस लिहाज से उसके बाद सीधा जो है दिल्ली से लिए दिल्ली रवाना होंगे अभी। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं साथ साथ हम अपने दर्शकों को दिखाते चलें, क्योंकि युगल जो ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की हम देख पा रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अब से कुछ ही देर में संबोधन होगा, और प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपको सुनवाएंगे, और युगल हमारे सहयोगी लगातार वहाँ पर बने हुए अपडेट्स उनसे हम लेते रहेंगे। एक बड़ा दिन आज रायगढ़ वासियों के लिए भी है, चूंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12,787 करोड़ के यहाँ पर देने वाले हैं, और इसके साथ साथ वो परियोजनाएं जिसके बारे में युगल जिक्र कर रहे थे वो सीधे तौर पर आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है। और लोगों का जो हुजूम है, युगल कोशिश कीजिएगा कि वहां की भी तस्वीरें आप दिखा पाएं आगे, और चूंकि काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर, और इस सरकारी कार्यक्रम में जो सौगात प्रदेशवासियों को मिलेगी उसका सीधा लाभ उन्हें मिले, इस उम्मीद के साथ लोग वहाँ पहुँचे हैं और ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री उनके लिए लेकर आए हैं, और आगे जो कार्यक्रम का अपडेट होगा वो भी आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। और तस्वीरें भी साथ साथ अपने दर्शकों को दिखा दें, इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव रायगढ़ से ये सीधी तस्वीरें बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए
प्रदेश के विकास के संदर्भ में, कार्यक्रम के संदर्भ में? स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं रोजगार के अधिक से अधिक अवसर विकसित किए जाए। ऑल इंडिया प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि स्थानीय क्षेत्रों के विकास पर व्यय कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक जोन्स की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इसके अंतर्गत मांड, रायगढ़ और कोरबा कोल फील्ड्स में जितनी भी माइंस हैं उन सब में कोयले के निकासी के लिए रेल समर्पित कोयला निकासी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके प्रथम चरण छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन होने जा रहा है। दूसरा चरण छत्तीसगढ़ वेस्ट रेल कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ वेस्ट रेल कॉरिडोर को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जनजाति बाहुल्य 9 क्षेत्रों में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू होने से लाखों जनजातीय परिवार को लाभ मिलेगा। सिकल सेल परामर्श कार्ड छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आरोग्य का वरदान साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम हेतु आपने अपना अमूल्य समय देने के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी से निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, प्रिय साथी सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी मंच पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं। और इस बीच चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शुक्ला जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकारी कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, बड़ी सौगात यहाँ के लोगों को मिलने वाली है प्रदेशवासियों के लिए, किस तरह से लाभदायक ये कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो कार्यक्रम उनके हैं। एक शासकीय कार्यक्रम है जिसमें करोड़ों रुपए की सौगात प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। 6,350 करोड़ की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाएं हैं जिसको ये समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री आज रायगढ़ में। उसके अलावा 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो और उसके अलावा प्रधानमंत्री 1,00,000 सिकल सेल जो परामर्श कार्ड है उनका भी वितरण करने वाले हैं। तो ये एक शासकीय कार्यक्रम है और ठीक इसके बगल में दूसरा डोम है जिस पर प्रधानमंत्री जाएंगे और वो पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। तो दो कार्यक्रम वहां पर कोड़ा तराई में ही रखा गया है और प्रधानमंत्री इस वक्त शासकीय कार्यक्रम में है, मंच पर मौजूद है। उनके साथ उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं और रायगढ़ की जो सांसद गोमती साहब वो मौजूद हैं। तो शासकीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस वक्त हैं और छत्तीसगढ़ के लिए कई सारी सौगातें आज प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं। इसमें पूर्व रेल परियोजना चरण जो चापा से जमुगा के बीच रेल लाइन है, पेंडा रोड से अनूपपुर के बीच रेल लाइन है, या तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर जो है उससे जोड़ने वाली रेल लाइन की बात कर ली जाए तो कई सारी रेल लाइन है जिसको समर्पित करेंगे आवाजाही के लिए, आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री इस योजना के जरिए फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा खरसिया से धर्मजयगढ़ तक 124 किलोमीटर की रेल लाइन भी शामिल है। तो रेल लाइन का एक जो जाल है वो समर्पित करने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा आज यहाँ पर है। और उसके अलावा रायगढ़ में जो मान रायगढ़ कोयला क्षेत्र है वहां से कोयला परिवहन के लिए भी रेल संपर्क से ये चीजें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में भी 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे जिसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत 210 करोड़ की लागत से दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण होगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज यहाँ पर देने वाले हैं। उसके अलावा हम बात कर ले सिकल सेल जो रोग है
उसका हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री, लगभग 1,00,000 सिकल सेल परामर्श कार्ड है, वो वितरण प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये शासकीय कार्यक्रम है, इस शासकीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सौगातें देंगे छत्तीसगढ़ को, और इसके बाद वो जो बगल का डोम है जिसमें पॉलिटिकल कार्यक्रम है, एक बड़ी सभा जहाँ हजारों लोग इस वक्त उनका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो जो इस वक्त है फिलहाल प्रधानमंत्री शासकीय कार्यक्रम में मौजूद है, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अभी संबोधन अपना खत्म किया है और प्रधानमंत्री अब यहाँ पर समर्पित करेंगे और संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और ये चूंकि जो जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया वो योजनाएं सीधे तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाने वाली हैं अभिषेक, और ये शासकीय कार्यक्रम, इसके अलावा एक जो पॉलिटिकल कार्यक्रम का आपने जिक्र किया बिल्कुल नज़दीक में ही वो भी है, वहाँ पर कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं, चूँकि काफ़ी लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भी हैं और भारी संख्या में उम्मीद है कि वहाँ भी लोग पहुँचे होंगे। लोगों का दावा बीजेपी कर रही है और काफी बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बीच में बारिश भी हुई काफी और एक समय उहापोह की स्थिति भी बन रही थी कि प्रधानमंत्री का विमान जो है वो लैंड कर पाएगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बीना से सीधा रायगढ़ जिंदल एयरस्ट्रिप पहुंचे और वहां पर उनका विमान लैंड हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है, राहत की बात कि बारिश रुक चुकी है और वहां पर मौसम खुल चुका है। ये प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए सौगात दी है छत्तीसगढ़ को रेलवे की, और जो हम 9 जगहों पर बिस्तरों की बात कर रहे थे उसके अलावा सिकल सेल कार्ड जो है वो देने की बात कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए छत्तीसगढ़ को सौंपा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है, 1,000 करोड़ रुपए की ये सौगात जो छत्तीसगढ़ को आज यहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त दे रहे हैं। इसके बाद जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है वहां पर लाखों लोगों का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंतजार कर रहे हैं, और उस मंच पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनावी माहौल है, वहां से कार्यकर्ता और लोगों को चुनावी संदेश देने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में रायगढ़ ही नहीं बल्कि रायगढ़ के आसपास के कई जिलों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, यहां तक कि उड़ीसा से भी, जो क्योंकि रायगढ़ बॉर्डर इलाका पड़ता है, वहां से भी कई लोग प्रधानमंत्री को देखने और सुनने पहुंचे हुए हैं। स्वाभाविक है, चूंकि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इतनी संख्या में लोग पहुंचे और पीएम मोदी क्या बोलेंगे ये भी लोगों में उत्सुकता है, और एक बड़ी सौगात उन्होंने अभी मंच से दी रिमोट का बटन दबाकर, इसकी शुरुआत उन्होंने की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अभिषेक शुभ डेप्यूटी एडिटर हमारे जो कि जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से ये कार्यक्रम, चूंकि अभी शासकीय कार्यक्रम और उसके बाद एक पॉलिटिकल कार्यक्रम जो कि बिल्कुल ठीक इसके बराबर में एक डोम स्थापित किया गया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटलाइन लीडरशिप उस मंच पर मौजूद होंगे, क्योंकि चुनावी राज्य है, चुनावी राज्य में इस तरह के कार्यक्रम लोगों को आकर्षित भी करते हैं। और ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री है जिससे कि विकास की एक झलक इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मंच से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेल कॉरिडोर है बहुप्रतीक्षित, लोगों के लिए कनेक्टिविटी का साधन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसके साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी 9 जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। और सिकल सेल जो कि एक बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ में, अन्याय और असुविधा झेलते रहे उन तक भारत सरकार आज आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं 6,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और उनका कर रहे हैं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 1 खरसिया धर्मजयगढ़। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित कोयला निकासी को सक्षम करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैले मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में 18 बिलियन टन से अधिक का कोयला रिजर्व उपलब्ध है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 125 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर, यहाँ से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली विधि और तेजी से बिजली घरों तक पहुँचाने में मदद करेगा। ये आसपास की कोयला खदानों से फीडर लाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ भविष्य में पैसेंजर स्टेशनों का भी विकास होगा, जिससे यात्री यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
एनटीपीसी की तलाई पल्ली कोयला खदान परियोजना से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट तक एमजीआर मेरीगो राउंड प्रणाली, लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने 65 किलोमीटर लंबे इस एमजीआर लाइन में 20 बड़े पुल मौजूद हैं। इस ट्रैक के ऊपर वन क्षेत्रों में जानवरों को सुरक्षित पार कराने के लिए एनिमल पास की संरचना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जोड़ा गया है, चांपा जामगा तीसरी लाइन। इस लाइन द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनों की गतिशीलता बढ़ेगी, निवासियों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी लाइन। इस लाइन के द्वारा छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ने की राह होगी सुगम। छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और रोजगार के अनेक द्वार खोलने वाले 6400 करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी CCB बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, ICU, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 CCB को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य जनमानस में सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसकी रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही कम समय में 40 लाख से अधिक जनजातीय लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख से अधिक सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तो इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ आज 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कार्ड वितरित करेंगे। इस परियोजना से राज्य में सिकल सेल बीमारी से प्रभावित मरीजों को लाभ होगा, साथ ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को मजबूती मिलेगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड प्रदान करने की कृपा करें। और लाभार्थियों में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं फुलेश्वरी पटेल को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकल सेल पीड़ित लोगों के लिए ये वरदान बनकर आए इस योजना का
लाभ लोगों को मिले इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के तहत ये स्वास्थ्य कार्ड लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे इस गंभीर बीमारी और गंभीर परेशानी से जो लोग जूझ रहे हैं उन परिवारों को लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच से उन लोगों को ये स्वास्थ्य लाभ मिले इसके लिए कार्ड वितरित कर रहे हैं और आगे भी कई बड़ी परियोजनाएं यहाँ के लोगों को समर्पित की जाएंगी। और ये देखिए, ये हेल्थ कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उन लोगों को अपने हाथ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के सिकल सेल पीड़ित लोगों के लिए एक वरदान बनकर उनके जीवन में बदलाव लाएगा। इस उम्मीद के साथ इस योजना की शुरुआत की जा रही है। और रायगढ़ से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और सिकल सेल जो कि गंभीर बीमारी, एक गंभीर समस्या यहाँ के लोगों के लिए बना हुआ है और अब एक दो नहीं पूरे 9 जगह पर ये मल्टी स्पेशलिटी और तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सिकल सेल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए उन्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े, उनके लिए ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना साबित होगी, इसकी उम्मीद की जा रही है और लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले। इसके लिए इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ से वो स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर रहे हैं। मंच से इस वक्त सीधी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, मंच पर मौजूद उन लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए, जिससे कि वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। और अब कुछ और परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमोट का बटन दबाकर यहां से करेंगे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो रेल कॉरिडोर्स हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं रायपुर आने जाने वाली ट्रेन्स बाधित होती हैं या कई बार कैंसिल करनी पड़ती हैं और लोग यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है, तो रेल आवागमन निर्बाध रूप से व्यवस्थित तरीके से सुचारू तरीके से चलता रहे, इसके लिए यहाँ पर जो रेल कॉरिडोर्स प्रस्तावित थे उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में संबोधन शुरू करेंगे और कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी सीएम श्रीमान टीएस सिंहदेव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मेरी सहयोगी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महोदया, विधायकगण एवं छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों, आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहां सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आप सबने देखा है, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों के से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उपमुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है।
छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं, नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। कई अहम नेशनल हाईवे का उपहार भी आपके राज्य को मिला था और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही हैं, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जमीन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा हो गए। साथियों, केंद्र सरकार के आज के प्रयासों से देश के पावर हाउस के रूप में छत्तीसगढ़ की ताकत भी कई गुना बढ़ते जा रही है। कोल फील्ड से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में लागत भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए सरकार पिटहेड थर्मल पावर प्लांट भी बना रही है। तलाई पल्ली खदान को जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की मैरी गो राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे परिवारजनों, हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी। हमें देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करना है और अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इसी सोच के साथ सूरतपुर जिले में बंद पड़ी कोयला खदान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। कोरवा क्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्क विकसित करने का काम किया जा रहा है। आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी प्रयासों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोगों को होगा। साथियों, हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिफाजत भी करेंगे और वन संपदा से खुशहाली के नए रास्ते भी खोलेंगे। आज वन धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न
हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सारे कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आज इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उनका कहना कि छत्तीसगढ़ पावर हाउस है देश का और उसकी पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन रेल कॉरिडोर्स का आज शिलान्यास किया है उन रेल कॉरिडोर से न सिर्फ लोगों को आवागमन में सुविधा होगी बल्कि जो कोयला बिजली घरों तक पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है उसका सीधा लाभ बिजली घरों को मिलेगा और जो पावर जनरेट होगी वो पावर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को रोशन कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सिकल सेल बीमारी की जो समस्या लोगों को परेशान कर रही थी और छत्तीसगढ़ को खास करके जो ये बाधा झेलनी पड़ रही थी इससे पार पाने का ये जो तरीका 9 बड़े केंद्र खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिए समर्पित किए केंद्र सरकार से वित्त पोषित उन योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कर रहे थे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जो अगला कार्यक्रम है जो कि इस कार्यक्रम स्थल के ठीक साथ में ही यहां पर यह कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और बातें अभी कहने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक छत्तीसगढ़ का रोड मैप मैं रखने वाला हूं और वो रोड मैप किस तरह से हर एक आम इंसान को लाभ पहुंचाएगा इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ऐसा बोल करके उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया और साथ साथ आगे अगले कार्यक्रम के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो लिए चलेंगे आपको उस कार्यक्रम में भी। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम ये शासकीय कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे थे और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वहां पर मौजूद थे। और अब से कुछ ही देर में जो एक राजनीतिक कार्यक्रम कहा जा सकता है पॉलिटिकल प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का जो कि इसी कार्यक्रम स्थल के ठीक साथ में एक बड़ा डोम लगा हुआ है वहां पर तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे।